पटना के दानापुर में अग्निशमन टीम के द्वारा भीषण गर्मी और आगलगी की घटना को देखते हुए जन जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाला गया। रैली दानापुर गापतल स्थित अग्निशमन कार्यालय से निकाली गई। इस रैली को अग्निशमन अधिकारी विजय शंकर यादव ने सुबह 7 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रैली गापतल से दानापुर सैनिक चौक, सगुना मोड़, दानापुर रेलवे स्टेशन, रूपसपुर दीघा नहर रोड, रामजी चक होते हुए गापतल स्थित कार्यालय में समाप्त हुई। वाहन जागरूकता रैली के दरमियान जगह जगह पर रुककर अग्निशमन अधिकारी विजय शंकर यादव ने राहगीरों को विभिन्न प्रकार से आग से बचाव के उपाय भी बताए। हम लोग देखते हुए इसको पूरा हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कल भी पटना में चला था, कल भी हम वहाँ थे मौजूद। हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आग लगने को घटना को हम लोग रोके। हर मोहल्ले चौक ऐसे तो मौजूद हम लोग कर रहे हैं, लेकिन रोड शो भी हम लोग कर रहे हैं। आज रोड शो होगा क्योंकि हम लोग का डीजी मैम का आदेश है कि आप लोग रोड शो करते रहिए, मॉक ड्रिल करते रहिए, जागरूकता अभियान चलाते रहे क्योंकि आग को रोका जाए। हम लोग आज ये अभियान था, ये चलेगा आपका यहाँ से लेकर के दानापुर फायर स्टेशन से लेकर के दानापुर स्टेशन तक। उसके बाद घूमते घूमते आएंगे उस जगजोन बोलते हैं स्टेडियम, उससे पीछे पीछे जितने भी झोपड़ी झोपड़ी है, नहर होते हैं, झोपड़ी झोपड़ी जितने भी है उस सबको हम लोग बताते समझाते और जागरूक करते हुए आप लोग वापस यहाँ लोग। ये कब तक चलेगा ये अभियान? ये गर्मी के मौसम को देखते हो कब तक चलेगा? इसको चलते ही रहता है, इसमें रोकना नहीं हम लोग का। हम लोग सालों भर चलते ही रहता है, इसमें रुकता नहीं है। मतलब इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है कि इतना दिन तक जागरूकता चलाना है? जी ना, ये जागरूकता अपना चलते रहेगा, ये इसमें हाँ हम चलते रहेगा, सालों भर चलते ही रहेगा। क्योंकि हम लोग का वरीय पदाधिकारी का आदेश है, हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि आग को हमको रोकना है, सावधानी बरतना है। जागरूक कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हो गया सगुना मोड़ हो गया, दानापुर स्टेशन हो गया, आज झुग्गी झोपड़ी जो है ये सबको थोड़ा देखना है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में बहुत ज्यादा अधिक आग लगने की संभावना रहता है। 11 क्षेत्र में बराबर आग लग, 11 क्षेत्र में तो इस बार तो हम लोग बहुत अभियान चलाए हुए, इस बार तो बहुत कम हुआ। दानापुर क्षेत्र में 11 क्षेत्र में इस बार अभी आप लोग को देखेंगे कि घटना बहुत कम हुआ है, बहुत हम लोग रुके हुए हैं। क्योंकि इतना ना जागरूकता अभियान हम लोग चलाए ना कि बहुत रुका हुआ है।